मैं हरिशंकर व्यास सोचने सोचने जरूरी प्रोग्राम का अब दूसरा पार्ट या कि आज की गपशप लिए हुए हूँ। पिछले 5 साल से बेहतरीन सांसद का चुनाव नहीं हो रहा है। 2012 में आखिरी बार यूपीए सरकार के समय जनता दल यू के तब के नेता शरद यादव को बेहतरीन सांसद चुना गया था। कहा जा रहा है कि 2013 से लेकर 2017 तक के लिए एक साथ 5 बेहतरीन सांसदों का चुनाव होगा। जानकार सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बीजू जनता दल और तृणमूल कांग्रेस के नेता इसके दावेदार हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और उपनेता आनंद शर्मा दोनों को दावेदार बताया जा रहा है। लोकसभा में कांग्रेस के पास पुरस्कार के लिए कोई उचित नाम नहीं है। सीपीएम नेताओं को उम्मीद है कि सीताराम येचुरी बेहतरीन सांसद चुने जा सकते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1992 में सीपीआई के सांसद इंद्रजीत गुप्त से हुई थी और बाद में 1996 में सीपीएम के सोमनाथ चटर्जी बेहतरीन सांसद चुने गए थे। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि पार्टी के आधा दर्जन सांसद राम गोपाल यादव का नाम प्रस्तावित करने वाले हैं। उनकी विरोधी बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने पिछले साल राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनकी पार्टी के नेता चाहते हैं कि उनके नाम पर भी विचार किया जाए। तृणमूल कांग्रेस की ओर से कल्याण बनर्जी, सौगत राय और डेरेक ओब्रायन के नाम की चर्चा है, तो बीजू जनता दल की ओर से भर्तृहरि महताब और वैजयंत पांडा के नाम की चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ रही है। सपा और बसपा दोनों कांग्रेस से दूरी दिखा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगले चुनाव में यूपी में राहुल गांधी का जादू चलेगा। जैसे 2009 के चुनाव में राहुल ने मेहनत की थी और कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, उसी तरह अगले चुनाव में भी होगा। राहुल के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से प्रदेश कांग्रेस नेताओं का हौसला बढ़ा है। कांग्रेस की इस राजनीति को समझकर ही सपा और बसपा ने दूरी दिखानी शुरू की है। बसपा प्रमुख मायावती ने 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। भाजपा के साथ रखते हुए उन्होंने चोर चोर मौसेरे भाई का जुमला कहा, दोनों को दलित विरोधी बताया। इससे साफ है कि वे कांग्रेस के साथ तालमेल के लिए तैयार नहीं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि कांग्रेस के साथ तालमेल का कोई इरादा नहीं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ने से कुछ हासिल नहीं हुआ। सो ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की दोनों क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ तालमेल के लिए तैयार नहीं होने वाली हैं। कांग्रेस के लिए कर्नाटक में भी तालमेल का रास्ता बंद होता दिख रहा है। एसडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस किसी मजबूरी या दबाव में या अपने राजनीतिक हिसाब किताब की वजह से भाजपा से करीबी दिखा रही है। जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसडी कुमारस्वामी ने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर निजी हमला करके कांग्रेस के साथ तालमेल की संभावना को खत्म किया है। कुमारस्वामी ने सिद्धारमैया के ऊपर अवैध खनन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। कुमारस्वामी ने उनके ऊपर करीब 5,500 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि इस निजी आरोप के बाद अब तालमेल मुश्किल है। जानकार सूत्रों का कहना है कि जेडीएस की बातचीत भाजपा के साथ हुई है और इसलिए उसके नेता कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दक्षिण कर्नाटक के इलाकों में जहां वोक्कलिंगा मजबूत है और जेडीएस का पुराना आधार है, वहां भाजपा कमजोर उम्मीदवार उतारेगी ताकि जेडीएस को फायदा पहुंचे। इसके बदले में उत्तरी कर्नाटक में जेडीएस की ओर से मुस्लिम और दलित उम्मीदवार ज्यादा दिए जाएंगे ताकि कांग्रेस के वोट में सेंध लगाकर भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके। कुछ समय पहले तक जनता दल यू के बागी नेता शरद यादव साझा विरासत के नाम पर देश भर में घूम घूम कर विपक्ष की एकजुटता बना रहे थे और अब एनसीपी के नेता शरद पवार यही कोशिश कर रहे हैं। पवार की पहल पर मुंबई में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा हो रहा है और वह भी 26 जनवरी के दिन। बताया जा रहा है कि कुछ युवाओं और खासकर आईआईटी के युवाओं ने संविधान बचाने के लिए एक रैली का सुझाव दिया था, जिसकी अगुवाई शरद पवार करेंगे। रैली का सुझाव देने वाले युवाओं की सलाह पर इसे संविधान बचाओ रैली का नाम दिया गया है और इसमें गुजरात के 3 युवा नेताओं हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकुर को का फैसला किया गया। कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रदेश नेता इसमें हिस्सा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान ने संकेत किया है कि राहुल गांधी शायद इसमें शामिल नहीं होंगे। इस बार पवार खुद संविधान बचाओ रैली की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने देश भर के वरिष्ठ विपक्षी नेताओं को बुलाया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, जनता दल यू के बागी नेता शरद यादव, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी को इस रैली में बुलाया गया। बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के नेता तेजस्वी यादव को भी रैली में आमंत्रित किया गया। तय कार्यक्रम के मुताबिक विपक्षी नेताओं का समूह राज्य सरकार के सचिवालय मंत्रालय से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च करेगा। हाल फिलहाल की सुर्खियों में, बहस में, जिस बात ने आपके जहन में पेठ बनाई है, उसका भला क्या मतलब है और क्या है उसका और छोर? सो क्यों ने अब जाना जाए आज का खुलासा। केंद्र सरकार ने वैसे तो जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति की बहाली के लिए एक वार्ताकार नियुक्त किया है, लेकिन उस वार्ताकार के कामकाज से ज्यादा खबर सेना के अभियान की आ रही है।
केंद्र सरकार के नियुक्त वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा ने जम्मू कश्मीर के हर संबद्ध पक्ष के साथ बातचीत की इच्छा जताई है, लेकिन अलगाववादी संगठनों ने अभी तक उनके प्रस्ताव पर ज्यादा सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है। सो अभी तक दिनेश्वर शर्मा के प्रयासों का कोई खास हासिल नहीं दिख रहा है। इधर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार नसीर खान जंजुआ से मिल रहे हैं। सुलह सफाई के इन प्रयासों के बीच कश्मीर में सैन्य अभियानों की बड़ी खबर बन रही है। भारतीय सेना ने सोमवार को एक अभियान में जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों को मार गिराया, तो सीमा पार से ही पाकिस्तान की फायरिंग का जोरदार जवाब देते हुए पाकिस्तानी फौज के एक मेजर समेत 7 जवानों को मार डाला। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने 2 बयान में कहा कि पाकिस्तान नहीं बदलेगा तो दूसरा रास्ता अख्तियार करना होगा, यानी वो इससे भी ज्यादा मारक कार्रवाई के लिए तैयार है। तभी सवाल है कि क्या भारत कश्मीर समस्या के सैन्य समाधान पर ज्यादा जोर दे रहा है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिहाज से पिछला साल भारत के सुरक्षा बलों के लिए बहुत सफल रहा। एक साल में 200 आतंकवादी मारे गए। हिजबुल मुजाहिदीन के लगभग सारे टॉप कमांडर मार डाले गए। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के भी कई बड़े आतंकवादी सरगना मारे गए। भारत की सैन्य कार्रवाई से बौखलाए आतंकवादियों और पाकिस्तानी रेंजरों ने भी बेतहाशा हमले किए, जिसमें भारत के भी काफी जवान शहीद हुए। पर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों और घुसपैठियों के सफाए का अभियान नहीं रोका। आतंकवादियों के पनाहगाह के रूप में मशहूर दक्षिण कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, जिसके तहत 200 आतंकवादी मारे गए। अब सेना प्रमुख जनरल रावत ने कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट उत्तरी कश्मीर में भी चलाया जाएगा। बारामूला जिले में सोमवार को 5 आतंकियों के मारे जाने को इसकी शुरुआत माना जा रहा है। इसे लेकर विपक्ष के नेता उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 17 साल बाद श्रीनगर में सैन्य अभियान की वापसी हुई है। सवाल है कि क्या इससे कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा में लाने, आतंकवादियों को खत्म करने और स्थायी शांति बहाल करने में मदद मिलेगी या लोगों में नाराजगी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत के फॉर्मूले का जिक्र किया था। सवाल है कि जमहूरियत की बात का क्या किया जाए जब राज्य सरकार लोकसभा की सीट पर उपचुनाव नहीं करा पा रही है। एक सीट पर उपचुनाव हुआ तो 11% मतदान हुआ और दूसरी सीट एक साल से ज्यादा समय से खाली है और सुरक्षा के नाम पर चुनाव नहीं कराया जा रहा। बहरहाल ये फॉर्मूला वैसे भी दिल बहलाने वाला फॉर्मूला है, जिससे आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। इस सरकार ने जो फॉर्मूला अपनाया है उसके लिए कितना हासिल होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि कश्मीर में चीजें तेजी से बदल रही हैं। अंदर अंदर लोगों के मन में क्या खटपटाहट है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऊपर से चीजें सामान्य होने की ओर बढ़ रही हैं। सरकार के बातचीत करने, दबाव बनाने और सैन्य अभियान चलाने का फॉर्मूला फिलहाल काम करता दिख रहा है। सरकार एक तरफ वार्ताकार के जरिए कश्मीर घाटी में लोगों से संपर्क कर रही है और उनकी बात सुनने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर पर भी वार्ता हो रही है। इन सब के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने कश्मीर घाटी के अलगाववादियों पर दबाव बनाया है। दर्जनों अलगाववादी जेल में हैं और हवाला के जरिए विदेश से पैसे मंगाकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा का आरोप झेल रहे हैं, तो दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को खोज कर मारने का अभियान छेड़ रखा है। इस चौतरफा रणनीति से कश्मीर घाटी में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ये पहला मौका है जब अलगाववादी और आतंकवादी दोनों इतने दबाव में हैं। पहले महबूबा मुफ्ती की पार्टी को अलगाववादियों के प्रति हमदर्दी रखने वाला बताया जाता था, लेकिन भाजपा के साथ सरकार बनाने के बाद अब वो कश्मीर के लोगों से कह रही है कि उन्हें जो कुछ भी मिलना है वो भारत से ही मिलना है। ये अपने आप में बड़ा बदलाव है। NIA और सुरक्षा बलों ने दबाव बनाए रखा तो कुछ सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।